नमस्कार, मैं दिवाकर सिंगार, आप सबका स्वागत करता हूँ इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के यूपीएससी हिंदी चैनल पर। क्रैक यूपीएससी सीएससी जीएस विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। कैट प्लस सब्सक्रिप्शन एंड एक्सेस अनलिमिटेड एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स। देखिए, जब आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इससे काफ़ी सारे फायदे हैं, काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं जो कि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी में, आपकी यूपीएससी सीएससी की तैयारी में आपकी आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं, आपकी मदद होती है यहाँ पर। तो देखिए, अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं, क्या सुविधाएँ यहाँ पर आपको मिलती हैं, उनके विषय में जान लेते हैं। यहाँ आपको मिलती हैं प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पर डेली लाइव क्लासेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज यहाँ पर आपको मिलते हैं, स्ट्रक्चर कोर्स आपको प्रोवाइड कराया जाता है, साथ में आपको मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस का। प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लेना होता है, डाउनलोड कर लेना होता है। प्लस पर आपको 100 से भी ज़्यादा टॉप एजुकेटर पढ़ाते हैं, इंडिया के टॉप एजुकेटर यहाँ पर आपको पढ़ाते हैं प्लस पर। प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको मिलती है लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेशंस यहाँ पर मिल जाते हैं आपको, स्ट्रक्चर शेड्यूल आपको प्रोवाइड कराया जाता है। प्लस सब्सक्रिप्शन की एक साल की जो फीस है वो 49,500 रुपये है, 2 साल की 72,000 रुपये और 3 साल की 90,000 रुपये है। अगर आप राना 10 रेफरल कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको मिल जाता है 10% का डिस्काउंट, जिससे आपकी एक साल की फीस 44,550 हो जाती है, 2 साल की 64,800, 3 साल की 81,000 रुपये हो जाती है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिल जाते हैं पर्सनल कोच, ये प्लस से एडवांस है। पर्सनल कोच जो होते हैं वो आपके एग्जाम की पूरी तैयारी में आपकी मदद करते हैं, बुक कौन से बुक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, आंसर कैसे लिखना है, हर चीज़ में ये पर्सनल कोच आपकी मदद करते हैं। डेली मेन से क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, स्टडी प्लानर आपको मिलते हैं और साथ में पर्सनलाइज्ड फीडबैक आपको यहाँ पर मिलता है आइकॉनिक में। तो देखिए, आइकॉनिक की फिलहाल जो फीस है एक साल की वो 69,500 रुपये है, 2 साल की 1,07,000 रुपये और 3 साल की 1,41,000 रुपये है। राना 10 रेफरल कोड का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट, जिससे आपकी एक साल की फीस हो जाएगी 62,550 रुपये, 96,300 आपकी 2 साल की फीस होगी और 3 साल की हो जाएगी 126,900 रुपये राना 10 रेफरल कोड को इस्तेमाल करने के बाद। ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन आप यहां से ले सकते हैं। ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन मतलब आपका जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने लिया है उसकी तैयारी अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं आप। 12 महीने अर्थात एक साल का जो ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन है वो 27,500 रुपये का है, 2 साल का 40,000 और 3 साल का 50,000 रुपये का है। राना 10 रेफरल कोड का इस्तेमाल करने पर आपको यहाँ पर भी 10% का डिस्काउंट मिलता है, जिससे आपकी ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन की एक साल की फीस 24,750 हो जाती है, 2 साल की 36,000 और 3 साल की 45,000 रुपये हो जाती है। तो देखिए, जो नेक्स्ट कॉम्बैट होने वाला है वो 31 जनवरी को होने वाला है, जो कि 31 जनवरी को सुबह 11 बजे होगा। सभी के लिए फ्री है ये, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, अपने ज्ञान का परीक्षण कर सकते हैं। कुछ प्रश्न होंगे 45 मिनट में, 60 प्रश्न, 45 मिनट का समय होगा, 60 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं, 13 कॉम्बैट्स होंगे, 6 सेक्शन में डिवाइड है। अगर आपकी इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, लाइव रैंकिंग भी आपकी दिखती रहती है, और अगर आपका स्थान, आपकी रैंकिंग जो है फर्स्ट से थर्ड रैंकिंग के बीच में आप आते हैं तो आपको मिलता है 3 मंथ का यूपीएससी सीएससी जीएस का प्लस सब्सक्रिप्शन। अगर आपकी रैंक 4th से 115 रैंक तक आप रहते हैं, आप उस रैंक को अचीव कर पाते हैं तो आपको मिलते हैं 1,000 रुपये तक के अमेजन वाउचर्स। तो ये कॉम्बैट जो है वो सभी के लिए एकदम फ्री है, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं अपने लर्निंग ऐप के द्वारा, और जो कि 31 जनवरी को होने वाला है सुबह 11 बजे। तो अपने ज्ञान का परीक्षण करिए, आइए इस कॉम्बैट को ज्वाइन करिए। तो देखिए, नए बैच प्रारंभ होने वाले हैं यूपीएससी सीएससी 2021, 22 और 2023 के लिए। 25 जनवरी से ये बैच प्रारंभ होने वाले हैं, तो इन बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश बायलैंग्वेल में ये बैच होने वाले हैं, 6 मंथ बैच जो कि 2021 को टारगेट करते हुए प्रारंभ होने वाला है, 1 ईयर बैच 2022 और 2 ईयर बैच 2023 यूपीएससी सीएससी एग्जाम को टारगेट करते हुए प्रारंभ हो रहा है। और ये हिंदी इंग्लिश बायलैंग्वेल तीनों ही लैंग्वेजेस में आपको ये बैच मिल जाएंगे। 25 जनवरी से बैच प्रारंभ होने वाले हैं। अब आप ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक जीएस सब्सक्रिप्शन को कॉम्बो के रूप में भी ले सकते हैं, कॉम्बो ले सकते हैं, जिसमें कि आपको अधिकतम आपका अधिक फायदा होगा, अधिकतम डिस्काउंट यहाँ पर आपको मिलेगा। अगर आप ऑप्शनल का और आइकॉनिक जीएस का सब्सक्रिप्शन साथ में लेते हैं तो उसकी एक साल की फीस 88,705 रुपये होगी, 2 साल की 131,510 और 3 साल की 167,220 रुपये होगी। राना 10 रेफर कोड का इस्तेमाल करने पर आपको मिलेगा इसमें भी 10% का डिस्काउंट। अगर आप यूपीएससी
जीएस यूपीएससी जीएस प्लस सब्सक्रिप्शन और ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन साथ में लेते हैं तो इसकी जो एक साल की फीस होगी वो 70,103 रुपये, 2 साल की 99,680 रुपये और 3 साल की 1,21,200 रुपये होगी। राणा 10 रेफर कोड का इस्तेमाल करने पर आपको यहाँ भी 10% का इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की देखिए प्राइस जो है वो बढ़ने वाली है। अगर आप इस बढ़ी हुई प्राइस में इस सब्सक्रिप्शन को नहीं लेना चाहते हैं तो 25 जनवरी से पहले आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, क्योंकि 25 जनवरी से आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की जो फीस है वो बढ़ने वाली है। राणा 10 रेफरल कोड का इस्तेमाल कर लेना तो आपको 10% का और भी डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए आज का जो हमारा विषय है वो है भारतीय सर्कस, और हम जानेंगे भारतीय सर्कस के विषय में। पूनम राठौर गुड मॉर्निंग, एस के नाजिम, डीआर गुड मॉर्निंग, मांगलिया गुड मॉर्निंग, अरुणा सिंह गुड मॉर्निंग, रितु गुड मॉर्निंग, अरुणा। आज का टॉपिक है करुणा भारतीय सर्कस। निशा गुड मॉर्निंग, सुमित सिंह गुड, प्रताप वर्मा गुड मॉर्निंग, सविता कुमारी गुड मॉर्निंग, और ये कौन है, कृष्णा गुड मॉर्निंग। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है भारतीय सर्कस के विषय में आज हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले भारतीय सर्कस का जो परिचय है उसको समझ लेते हैं। नमस्कार प्रभात राजपूत। तो देखिए भारत में एक शहर से दूसरे शहर पर जा जाकर सड़कों पर प्रदर्शन करने वाली जो कलाकारों की एक लंबी परंपरा रही है, मतलब जो आप देखते होंगे कि कई सारे कलाकार होते हैं सड़क के किनारे विभिन्न प्रकार के प्रदर्शन किया करते हैं। हालांकि वो सर्कस का छोटा रूप है, और लेकिन ये परंपरा जो है भारत में काफ़ी लंबे समय से विद्यमान है, काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है। एक शहर से दूसरे शहर तक ये लोगों का समूह जो होता है वो जाता है और सड़कों पर प्रदर्शन करता है। तो ये हालांकि सर्कस का बहुत छोटा रूप मानते हैं इसको हम, लेकिन हालांकि सर्कस काफ़ी नया उद्योग है, काफ़ी बहुत अधिक प्राचीन समय से नहीं चल रहा है ये भारत में। तो अंग्रेजी सर्कस गुरु जो है फिलिप एस्ले, उनके अनुसार मतलब फिलिप एस्ले ने ऐसा बोला है कि भारत में सर्कस जो है वो लगभग 1880 के आसपास अस्तित्व में आया है। मतलब उससे पहले भारत में सर्कस का कोई अस्तित्व नहीं था, ऐसा जो अंग्रेजी सर्कस गुरु हैं फिलिप एस्ले, इनका ऐसा मानना है। ठीक है, इसके बाद जो ग्रेट इंडियन सर्कस की हम बात कर लें तो देखिए ग्रेट इंडियन सर्कस जिसकी स्थापना एक निपुण घुड़सवार और गायक प्रोफेसर विष्णुपंत छत्रे ने की थी। अगर हम भारत के सर्कस की बात करें, ग्रेट इंडियन सर्कस की बात करें, तो इसकी जो स्थापना की थी वो किसने की थी, इसकी स्थापना की थी एक जो कि एक निपुण घुड़सवार थे, गायक थे, कौन, प्रोफेसर विष्णुपंत छत्रे। तो इन्होंने भारत में सर्कस की स्थापना की थी, भारत का पहला आधुनिक सर्कस इन्होंने स्थापित किया था प्रोफेसर विष्णुपंत छत्रे ने। तो इनका तो जो ये सर्कस है इसका जो विकास हुआ था, इसका विकास कहाँ पर हुआ था, कुर्दुफदी के राजा के संरक्षण में इस सर्कस का विकास हुआ था। कहाँ के राजा, कुर्दुफदी। तो अब देखिए ये कुर्दुफदी क्या है, तो देखिए कुर्दुफदी जो है वो महाराष्ट्र के सोलापुर के निकट एक छोटा सा शहर है कुर्दुफदी। तो वहाँ के जो राजा थे उनके संरक्षण में इन विष्णुपंत छत्रे ने सर्कस की शुरुआत की थी, क्योंकि जो विष्णुपंत छत्रे थे इन्हीं कुर्दुफदी के राजा के अधीन छत्रे, मतलब जो विष्णुपंत छत्रे प्रोफेसर विष्णुपंत छत्रे थे इन्हीं कुर्दुफदी के राजा के अधीन, इनके राजा के जो अस्तबल गुरु के रूप में काम करते थे यहाँ पर, इन कुर्दुफदी के राजा के यहाँ विष्णुपंत छत्रे अस्तबल गुरु के रूप में कार्य करते थे। मतलब अस्तबल में जो घुड़सवार होते हैं उनको ट्रेनिंग देना या घोड़ों को ट्रेनिंग देना, ये काम किया करते थे विष्णुपंत छत्रे इन राजा कुर्दुफदी के राजा के यहाँ। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो पहला सर्कस के पहला आधुनिक सर्कस की जो स्थापना हुई थी भारत में वो विष्णुपंत छत्रे ने की थी, लेकिन कुर्दुफदी के राजा के संरक्षण में इसकी शुरुआत की गई थी। और जो विष्णुपंत छत्रे थे वो इन राजा के यहाँ अस्तबल गुरु के रूप में काम करते थे। ग्रेट इंडियन सर्कस के प्रदर्शन का पहला जो आयोजन हुआ था वो कब हुआ था, 1800
80 में किया गया था ग्रेट इंडियन सर्कस का पहला आयोजन या पहला प्रदर्शन 1880 में हुआ था। जैसा कि अंग्रेजी सर्कस गुरु जो फिलिप एस्ले हैं, इन्होंने कहा है कि भारत में सर्कस का जो आरंभ है वो 1880 के आसपास हुआ है, तो वो उन्होंने इसी घटना के आधार पर अपना ये स्टेटमेंट दिया था। राजपूत फैमिली, राम राम। नरेंद्र राजपूत, राधे राधे। चमन सरवाल, गुड मॉर्निंग। योगता दास, सुप्रभात। करुणा सिंह, 1880, बिल्कुल ठीक है। तो क्लियर है यहाँ तक। ग्रेट इंडियन सर्कस के जो स्थापना की थी वो किसने की थी? प्रोफेसर विष्णु पंत छत्रे ने की थी। कुर्दुक जी के राजा के संरक्षण में इसकी शुरुआत हुई थी, और जो विष्णु प्रोफेसर विष्णुपंत छत्रे थे वो इन्हीं राजा के अस्तबल गुरु के रूप में काम किया करते थे। और इस ग्रेट इंडियन सर्कस का जो पहला प्रदर्शन हुआ था वो 1880 को किया गया था, ठीक है। तो इसके बाद इस सर्कस ने, मतलब जो ग्रेट इंडियन सर्कस है, 1880 के बाद ग्रेट इंडियन सर्कस ने पूरे देश का एक व्यापक भ्रमण करने के साथ ही पूरे देश का एक व्यापक भ्रमण किया, और सीलोन और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे विदेशी स्थानों का भी भ्रमण किया था। मतलब पूरे देश में तो इन सर्कस ने भ्रमण किया, अपना प्रदर्शन किया, इसके साथ साथ सीलोन और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे विदेशी स्थानों पर भी ये सर्कस गया, ठीक है। तो जो छत्रे थे, विष्णुपंत छत्रे ने प्रत्येक स्थान पर सराहना प्राप्त की। हालांकि जो उत्तरी अमेरिका का उनका जो भ्रमण था वो विफल रहा, क्योंकि वहाँ का जो सर्कस था वो ज़्यादा इनसे टेक्निक और गुणवत्ता में अच्छा था, तो उसको ये पराजित नहीं कर पाए थे, मतलब उससे ये हार गए थे। तो जो इनका जो भ्रमण था दक्षिण उत्तरी अमेरिका का, तो वहाँ पर उनका जो भ्रमण था वो विफल रहा, क्योंकि वहाँ वे अपने प्रतियोगियों के आकार और भव्यता से बराबरी नहीं कर सके थे, विष्णुपंत छत्रे। तो विष्णुपंत छत्रे को भारतीय सर्कस का जनक कहा जाता है। अगर मैं पूछूं भारतीय सर्कस का जनक किसे कहा जाता है, तो आप कह सकते हैं बिल्कुल के विष्णुपंत छत्रे, इनको भारतीय सर्कस का जनक कहा जाता है। तो इसके बाद किलीरी कुन्ही कनन, अब इनको जान लेते हैं। किलीरी कुन्ही कनन की क्या कहानी है भारतीय सर्कस के संदर्भ में? तो किलीरी कुन्ही कनन जो है, तो देखिए भारत वापस जब जो विष्णुपंत छत्रे थे, जब ये भारत वापस आए, तो भारत वापस आने पर मालाबार तट पर स्थित तेल्लीचेरी शहर, मालाबार तट पर स्थित तेल्लीचेरी शहर जिसको वर्तमान में थालासेरी के नाम से रहता है, मतलब उस समय इसका नाम तेल्लीचेरी था शहर का नाम, वर्तमान में शहर का नाम थालासेरी है। तो अब ये थालासेरी या तेल्लीचेरी कहाँ पर स्थित है? तो ये केरल का जो कुन्नूर जिला है, उस कुन्नूर जिले के पास स्थित है ये प्राचीन तेल्लीचेरी या फिर वर्तमान जो थालासेरी है। तो जो विष्णुपंत छत्रे थे ये जब भारत वापस आए, तो भारत वापस आने पर मालाबार तट पर स्थित जो तेल्लीचेरी या थालासेरी जो शहर है, वहाँ पर अपने भ्रमण के दौरान छत्रे की मुलाकात जो हुई थी वो किससे हुई थी? किलरी कुन्ही कनन से इनकी मुलाकात हुई, विष्णुपंत छत्रे की। और जो किलरी कुन्ही कनन थे वो मार्शल आर्ट और जिम्नास्टिक शिक्षक के रूप में काम करते थे। मतलब जो किलरी कुन्ही कनन जो थे वो एक मार्शल आर्ट और जिम्नास्टिक के एक टीचर थे, उसके एक शिक्षक थे, है ना। तो इनसे इनकी मुलाकात हुई थी विष्णुपंत छत्रे की। तो छत्रे ने इनसे आग्रह किया कि आप हमारे जो कलाबाज हैं उनको आप ट्रेनिंग दीजिए। तो भैया छत्रे की बात मानकर जो कुन्ही कनन थे, इन्होंने छत्रे के आग्रह पर किलरी ने उनकी अकादमी में कलाबाजों को प्रशिक्षित करना आरंभ कर दिया। तो मतलब अब जो सर्कस में जो टेक्निक थी वो और अधिक गुणवत्ता उसमें आने लगी, क्योंकि अब यहाँ पर मार्शल आर्ट और जिम्नास्टिक का भी इसमें प्रयोग होने लगा, क्योंकि किलरी कुन्ही कनन थे, इन्होंने छत्रे के जो कलाकार थे उनको अब मार्शल आर्ट और जिम्नास्टिक में ट्रेन करना प्रारंभ कर दिया था, ठीक है। तो 1901 में मार्शल आर्ट नहीं पता करुणा,
मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस की एक टेक्निक है, जिस तरह से आप क्या बोलते हैं उसको, कुंफू कराटे होते हैं ना, ऐसे एक मार्शल आर्ट भी होता है। ठीक है, चलिए तो 1901 में उन्होंने जो चिरक्कारा केरल में एक जगह है वहां पर एक सर्कस स्कूल खोला, और ये भारत में सर्कस क्रांति का नाभि स्थल मतलब केंद्र बिंदु बन गया। केरल का चिरक्कारा जहाँ पर इन्होंने एक सर्कस स्कूल की स्थापना की, इसलिए केरल जो था आप कह सकते हैं केरल जो है वो भारत सर्कस क्रांति का या फिर सर्कस का नाभि या केंद्र बिंदु बन गया था। ठीक है, तो 1904 में कुन्नीकरण ने एक छात्र, मतलब देखिए ये स्कूल जो खुला था किसने खुला था, कुन्नीकरण ने खुला था 1901 में। कुन्नीकरण ने चिराकारा जो कि केरल में स्थित है वहां पर सर्कस स्कूल खोला था, और भारत में सर्कस क्रांति का नाभि स्थल बन गया ये स्कूल। तो देखिए 1904 में कुन्नीकरण के एक छात्र प्रियाली कन्नन ने ग्रैंड मालाबार सर्कस के नाम से अपनी एक सर्कस कंपनी प्रारंभ की, मतलब इन्हीं के कुंभीकरण की एक छात्र ने ग्रैंड मालाबार सर्कस के नाम से अपनी एक सर्कस कंपनी आरंभ कर दी थी। व्हाइट वे सर्कस 1922, ग्रेट रामायण सर्कस 1924, ग्रेट लायन सर्कस, ईस्टर्न सर्कस और फेरी सर्कस आदि जैसे अन्य कंपनियों का फिर परिवर्तन जो है कुन्नीकरण के छात्रों जो अन्य जिनके छात्र थे उनके द्वारा इन विभिन्न सर्कसों का प्रारंभ किया गया। इस प्रकार केरल को भारतीय सर्कस के पालने के रूप में जाना जाने लगा, मतलब जो भारतीय सर्कस का जो प्रादुर्भाव है या भारतीय सर्कस का पालना इसको कह सकते हैं, केरल को इस रूप में यहाँ पर फिर जाना जाने लगा, क्योंकि ज़्यादा जो सर्कस या कंपनियों का या फिर सर्कसों का प्रादुर्भाव हुआ था फिर वो केरल से प्रारंभ हुआ था, इसलिए केरल को भारतीय सर्कस का पालने के रूप में जाना जाने लगा। क्योंकि फिर जो कुन्नीकरण थे उन्होंने जो 1901 में अकेडमी खोली थी उस अकेडमी के जो छात्र थे उनके, तो उन छात्रों ने काफ़ी सारे सर्कसों की स्थापना की, जिसमें सबसे पहला जो सर्कस था वो कुन्नीकरण के छात्र प्रियली कन्नन ने ग्रेट मालाबार सर्कस के नाम से इसकी स्थापना की थी। इसके बाद व्हाइट वे सर्कस 1922, ग्रेट रामायण सर्कस 1924, ग्रेट लायन सर्कस, ईस्टर्न सर्कस, फेरी सर्कस और इस प्रकार से काफ़ी सारी कंपनियों की स्थापना की कुन्नीकरण के छात्रों ने, जो कि केरल में ही शुरू की गई थी, इसलिए भारतीय सर्कस के पालने के रूप में केरल को जाना जाने लगा। तो देखिए कुन्नीकरण की अकादमी से उनकी एकेडमी थी, उस एकेडमी से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने वाले कई कलाबाज अस्तित्व में आए। रोप डांस कन्नन रोप डांस कन्नन कम्बायो ने 1910 में, जो सॉरी रोप डांसर थे कन्नन कम्बायो, उन्होंने 1910 में कुन्नीकरण की अकादमी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, और बाद में वे यूरोपीय और अमेरिकी सर्कस कंपनियों के लिए प्रदर्शन करने के लिए चले गए थे। 1939 में कुन्नीकरण की मृत्यु के बाद उनके छात्र एम के रमन ने उनकी विरासत जारी रखी। वर्ष 2010 में केरल सरकार ने कुन्नीकरण के सम्मान में, किरली कुन्नीकरण के सम्मान में थालस्सेरी में एक सर्कस अकादमी, इसको करेक्ट कर लेना है, सर्कस है, सर्कस अकादमी आरंभ की। केरल सरकार ने 1910 में किरली कुन्नीकरण के सम्मान में एक थालास्सेरी में ही एक सर्कस अकादमी का प्रारंभ किया, और इन्हें केरल के सर्कस के जनक की उपाधि से भी सम्मानित किया। किसको? केरल सरकार ने कुन्नीकरण को। पायल गुड मॉर्निंग, साक्षी गुड मॉर्निंग, कीर्ति गुड मॉर्निंग, विक्रांत कुमार। चलिए तो
देखिए भारत की प्रमुख सर्कस कंपनियों को जान लेते हैं, कौन कौन सी भारत की प्रमुख सर्कस कंपनियां हैं। तो देखिए भले ही भारतीय सर्कस कंपनियां अमेरिकी और यूरोपीय प्रतियोगियों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाई उस स्तर पर आकर, लेकिन हालांकि विफल रही, फिर भी 1990 के दशक के उत्तरार्ध तक भारतीयों के मनोरंजन का जो प्रमुख स्रोत था वह सर्कस बना रहा था। ठीक है, मतलब 1990 के दशक तक जो भारतीय जो जनता थी या भारतीय लोग थे उनके मनोरंजन का प्रमुख स्रोत जो था वो सर्कस था। अब हालांकि सर्कस इतना लोकप्रिय नहीं रह गया है, लेकिन 1990 के दशक तक बहुत अधिक लोकप्रिय साधन माना जाता था सर्कस को भारतीय जो जनमानस थे, जनसाधारण थे उनके बीच में। तो देखिए कुछ प्रमुख भारतीय सर्कस जो सूचीबद्ध है उनको देख लेते हैं। तो देखिए पहला जो भारतीय सर्कस है वो है थ्री रिंग सर्कस। ठीक है, तो इसका यह सर्कस कंपनी का नाम है थ्री रिंग सर्कस। तो के दामोदरन ने 1930 के दशक में दो ध्रुवीय सर्कस के रूप में अपना नया सर्कस आरंभ किया। किसने किया था थ्री रिंग सर्कस की शुरुआत? के दामोदरन ने 1930 में। ठीक है, तो इसने पूरे दक्षिण भारत में लोकप्रियता प्राप्त की और ये आगे चलकर एशिया का पहला और अकेला सिक्स पोल थ्री रिंग सर्कस बन गया था। मतलब सिक्स पोल, अब सर्कस में कुछ पोल वगैरह होते होंगे तो वो सिक्स पोल थे, वो थ्री रिंग मतलब तीन रिंग उसके अंदर हुआ करते। रिंग मतलब छल्ले नहीं, जैसे कि आप देखते होंगे ना कि जो रिंग मास्टर होता है वो एक रिंग के अंदर जैसे टाइगर होता है उसके उसको उससे प्रदर्शन करवाता है, इस प्रकार के थ्री रिंग इस सर्कस में होते थे और सिक्स पोल थ्री रिंग सर्कस का इन्होंने शुरुआत की थी, जिसे थ्री रिंग सर्कस के नाम से जाना जाता है। के दामोदरन ने 1930 के दशक में इस सर्कस का को प्रारंभ किया था। इसके बाद जो दूसरा अंजलि गुड मॉर्निंग, प्रतिस्पर्धा मीन्स कंपटीशन। हाँ बिल्कुल, कौन पूछ रहा है प्रतिस्पर्धा? परमाणु रिएक्टर बना ही देते ना अभिषेक सिंह। ले आएंगे विक्रांत कुमार। ओके चलिए, इसके बाद जो अगला सर्कस है वो है ग्रेट रॉयल सर्कस। ग्रेट रॉयल सर्कस, तो देखिए ये भारत में सबसे पुरानी सर्कस मंडलियों में से एक है, मतलब पुरानी सर्कस कंपनी बोल सकते हैं इसको, भारत की पुरानी सबसे पुरानी सर्कस मंडलियों में से एक है ग्रेट रॉयल सर्कस। इसका जो शुभारंभ हुआ था, इसका जो प्रारंभ हुआ था वो 1909 में मधुस्कर सर्कस के रूप में हुआ था। इसका जो प्रारंभ हुआ था वो किस नाम से हुआ था? ग्रेट रॉयल सर्कस का मधुस्कर सर्कस के नाम से इसका प्रारंभ हुआ था और आगे चलकर इसका अधिग्रहण कर लिया किसने? एन आर वाला वालकर ने इसको अधिग्रहित कर लिया था मधुस्कर सर्कस को। और जब एन आर वाला वालकर ने इसको अधिग्रहित कर लिया तो उसके बाद इसका नामकरण कर दिया इन्होंने एन आर वाला वालकर ने ग्रेट रॉयल सर्कस। देखिए जो ग्रेट रॉयल सर्कस है इसका जो 1909 में इसकी शुरुआत हुई थी उस समय इसको मधुस्कर सर्कस के नाम से जाना जाता था, इसके या फिर इसकी शुरुआत मधुस्कर सर्कस के नाम से हुई थी। फिर इसको बाद में अधिग्रहित कर लिया गया एन आर वाला वालकर के द्वारा और फिर इसका नाम बदलकर ग्रेट रॉयल सर्कस कर दिया गया। तो इसने अफ्रीका, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया का सफलतापूर्वक भ्रमण किया था इस ग्रेट रॉयल सर्कस ने। ठीक है, सबसे पुरानी सर्कस मंडलियों में से एक माना जाता है इसको भारत की ग्रेट रॉयल सर्कस को। इसके बाद जो अगला प्रकार है सर्कस का, अगला जो सर्कस है वो है ग्रेट बॉम्बे सर्कस। इसका तो नाम आप लोगों ने काफी सुना होगा ग्रेट बॉम्बे सर्कस। ठीक है, तो देखिए ग्रेट बॉम्बे सर्कस इसका शुभारंभ जो किया था वो बाबूराव कदम ने इसकी शुरुआत की थी ग्रेट बॉम्बे सर्कस की। बाबूराव कदम ने कब की थी? तो 1920 में ग्रेट बॉम्बे सर्कस की शुरुआत की गई थी बाबूराव कदम के द्वारा। ठीक है, आरंभ में इसे ग्रैंड बॉम्बे सर्कस के रूप में जाना जाता था। आरंभ में किस नाम से जाना जाता था? शुरुआत में इसका नाम जो था वो ग्रेट नहीं था, वो था ग्रैंड। ठीक है, शुरुआत में इसको ग्रैंड बॉम्बे सर्कस के रूप में इसको जाना जाता था। 1947 में किल्री कुन्हीकनन के भतीजे, जो किल्री कुन्हीकनन थे उनके भतीजे
एम कुन्नीकरन ने अपनी सर्कस कंपनी का विलय इस ग्रैंड बॉम्बे सर्कस के साथ कर लिया और इसका नामकरण फिर क्या कर दिया गया, जब किरली कुरलीकरन के जो भतीजे थे के एम कुन्नीकरन, उन्होंने अपनी सर्कस कंपनी का विलय ग्रैंड बॉम्बे सर्कस के साथ कर दिया, फिर इसका उन्होंने नाम बदल दिया, नाम बदल के क्या कर दिया, ग्रैंड से इसको कर दिया फिर ग्रेट बॉम्बे सर्कस। ठीक है। कंचन कश्यप गुड मॉर्निंग। ओके ओके। तो देखिए फिर 300 कलाकारों और 60 जानवरों की मंडली के साथ ये भारत की सबसे बड़ी सर्कस कंपनियों में से एक बन गया, मतलब जो ग्रेट बॉम्बे सर्कस था इसमें लगभग 300 कलाकार थे और 60 जानवरों की मंडली थी पूरी सर्कस में, मतलब इतना बहुत बड़ी अधिक संख्या में कलाकार थे इसमें, बहुत अधिक संख्या में जानवर भी थे। तो ये जो सर्कस था ये भारत का सबसे बड़ी सर्कस कंपनियों में से एक ये बन गया था इस विलय के बाद, जब इसका नाम ग्रेट बॉम्बे सर्कस हो गया, जब जो किरली कुन्नीकरन थे उनके भतीजे एम के कुन्नीकरन ने अपनी सर्कस कंपनी को ग्रैंड बॉम्बे सर्कस में क्या कर दिया, उसका विलय कर दिया था। ठीक है। और ग्रैंड बॉम्बे सर्कस था उसकी शुरुआत हुई थी 1920 में, उसको शुरुआत की थी किसने, बाबूराव कदम ने। क्लियर। चलिए इसके बाद जो अगला सर्कस है वो है जैमिनी सर्कस। जैमिनी सर्कस, तो देखिए 1951 में जैमिनी सर्कस गुजरात के बिलीमोरा शहर में अस्तित्व में आया था, मतलब ये गुजरात में इसका प्रादुर्भाव हुआ था, उत्पन्न हुआ था या फिर इसकी स्थापना की गई थी गुजरात में 1951 में। जैमिनी सर्कस कहाँ पर, गुजरात के बिलीमोरा शहर में अस्तित्व में आया। इसका संचालन एक पूर्व सैनिक, मतलब एक जो रिटायर्ड सैनिक होते हैं, रिटायर्ड सैनिक पूर्व सैनिक MV शंकरन ने किया था। इसका जो संचालन कौन कर रहे थे, एक पूर्व सैनिक थे MV शंकरन, वे एक कुशल कलाबाज थे MV शंकरन, और जेमिनी जेमिनी शंकरेट्टन के रूप में लोकप्रिय हुए। 1964 में जेमिनी सर्कस सोवियत संघ में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल सर्कस फेस्टिवल में प्रतिनिधित्व करने वाला पहला भारतीय सर्कस था। मतलब अगर पूछा जाए कि 1964 में जो मतलब ऐसा पूछे अगर हम आपसे कि सोवियत संघ में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल सर्कस फेस्टिवल में प्रतिनिधित्व करने वाला पहला भारतीय सर्कस कौन सा था, तो आप फिर बताएंगे कि वह था जैमिनी सर्कस। ठीक है। तो सोवियत संघ में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल सर्कस फेस्टिवल में प्रतिनिधित्व करने वाला पहला भारतीय, या उसमें प्रतिनिधित्व करने वाला पहला भारतीय सर्कस था जेमिनी सर्कस। मॉस्को, सोची और याल्टा में इसके प्रदर्शनों का आयोजन किया गया। बाद में जेमिनी ये सर्कस है ये। ठीक है। बाद में जेमिनी सर्कस राज कपूर की जो आपने मूवी देखी होगी मेरा नाम जोकर, तो जो राज कपूर की जो मूवी थी मेरा नाम जोकर जैसी कई भारतीय फिल्मों की पृष्ठभूमि बन गया था ये जैमिनी सर्कस। ठीक है। सर्कस का अगला प्रकार है क्या हुआ नरेंद्र, जो अगला सर्कस है वह है जंबो सर्कस। तो देखिए भारत की शान जंबो सर्कस आधुनिक काल का सबसे बड़ा भारतीय सर्कस है। ठीक है। आधुनिक काल का सबसे बड़ा भारतीय सर्कस है जम्बो सर्कस, और इसका शुभारंभ 1977 में बिहार में हुआ था जम्बो सर्कस का। ठीक है। और आगे चलकर जो शंकरन परिवार ने इसका अधिग्रहण कर लिया जम्बो सर्कस का, और इसमें सामान्यतः जो कलाकार थे वो रूसी कलाबाज और कलाकार इसमें सम्मिलित किए गए थे जम्बो सर्कस में। UPSC लवर गुड मॉर्निंग। तो देखिए सर्कस एक सीमांत उद्योग। तो देखिए 90 के दशक के उत्तरार्ध से, मतलब 90 के दशक से के उत्तरार्ध से अभी तक कई कारणों से सर्कस उद्योग कैसा हो गया है, क्षीण हो गया है, पतनोन्मुख हो गया, मतलब उसका पतन बहुत तीव्रता से हुआ है सर्कस का 90 के दशक के उत्तरार्ध के पश्चात। ठीक है।
जहां 1990 में लगभग 300 भारतीय सर्कस अस्तित्व में थे, वहीं 2017 में इन सर्कसों की संख्या घटकर कितनी हो गई है, मात्र 30 हो चुकी है या 30 पर पहुंच गई है। ठीक है, तो भारत के सर्कस उद्योग के पतन के कुछ कारण है। अब जो भारत के सर्कस उद्योग जो कि 90 के दशक या 90 के दशक के उत्तरार्ध में इनकी संख्या 300 थी, वो 2017 तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ मात्र 30 पे क्यों सीमित हो गई, तो उसके पतन के कारण क्या थे, उन कारणों को जान लेते हैं। भारतीय सर्कस का जो पतन था या इतने तीव्र गति से इसका पतन क्यों हुआ, उसके कारण क्या है, इनको जान लेते हैं। अरुण गुड मॉर्निंग। तो देखिए भारतीय सर्कस के पतन के कारण थे क्या थे, तो देखिए भारतीय सर्कस कंपनियां अपना जो व्यापार है उसको गोपनीय रखने का प्रयास करती है। मतलब जो भारतीय सर्कस कंपनियां थी उनकी जो टेक्निक्स थी, है ना, उनका जो व्यापार था, या मतलब कोई भी अन्य लोग उनकी टेक्निक को ना सीख ले, मतलब एक परिवार तक ही उसको सीमित रखने का पूरा इनका मुख्य जो होता था उद्देश्य होता था। मतलब बाहर के लोग हमारी टेक्निक को ना सीख पाए, तो इनका जो उद्देश्य होता था सर्कस कंपनियों का, वो क्या होता था, व्यापार को अपने गोपनीय रखने का प्रयास करती थी। इस बात ने इसे एक वंशानुगत उद्योग बना दिया और कुछ चुनिंदा लोगों की परिधि में ही ये पूरी टेक्निक जो थी वो सीमित कर दी। मतलब बाहर इन लोगों ने क्या किया था, अपनी इसको गोपनीय रखा, मतलब जो टेक्निक है, किस प्रकार सर्कस चलाया जाता है, किस प्रकार ट्रेनिंग दी जाती है, इसको एकदम ओपन नहीं रखा कि कोई भी आए बाहर से हम उसको नियुक्त करें और उसको ट्रेनिंग दें अपने सर्कस में, ऐसा नहीं था। ठीक है, तो फिर और ये बात सर्कस व्यापार में अच्छे प्रबंधकों के प्रवेश करने पर के आड़े आई, मतलब अच्छे जो प्रबंधक थे तो उनको उनको नियुक्ति नहीं दी जा रही थी। मतलब क्या चाहते थे लोग कि हम जो आपसी लोग हैं हम लोगों तक ही चीज़ सीमित रहे, बाकी कोई बाहर का व्यक्ति हमारी इस टेक्निक को ना सीख ले। तो इससे क्या हुआ, जो अच्छे प्रबंधक थे वो इस उद्योग में प्रवेश नहीं पा पाए। जब अच्छे प्रबंधक नहीं आ पाए तो क्या हुआ, इसका प्रबंधन ठीक से नहीं हो पाया और सर्कस जो कंपनियाँ थी वो घाटे में चली गई। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा कारण था सर्कस उद्योग के पतन का, हाँ हाँ नरेंद्र, वो भी कारण है। ठीक है, बिल्कुल सही, पेटा भी है। ठीक है, तो भारतीय सर्कस कंपनियां मानती हैं कि सर्कस की कलाबाजी के लिए बचपन से ही गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। मतलब जो कलाकार होते हैं वो बचपन से ही उनको बहुत हार्ड और गहन प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, उनको दिया जाना चाहिए, मतलब जो कलाकार होते हैं उन्हें। लेकिन जब 2011 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर रखने पर सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिबंध लगा दिया, तो इसने इस प्रतिबंध ने सर्कस कंपनियों के इस संसाधन पूल को सीमित कर दिया। मतलब अब क्या है, वो लोग मानते हैं कि बचपन से ही बच्चे को ट्रेनिंग दी जाएगी तब वो प्रदर्शन कर पाएगा सर्कस में। अब सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में क्या प्रतिबंध लगा दिया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, तो अब क्या होगा, अब बड़े 14 साल से बड़े जो बच्चे जो होंगे उनको ये लोग प्रशिक्षण नहीं दे सकते। मतलब इनका ऐसा मानना है कि वो एकदम परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक नेगेटिव चीज़ रही यहाँ पर इस सर्कस उद्योग के पतन में। इसके बाद जो तीसरा कारण था वह था भारत सरकार द्वारा 1997 में मनोरंजन के उद्देश्य के लिए वन्य पशुओं के उपयोग पर प्रतिबंध लागू करने से। मतलब जो वन्य प्राणी होते थे सर्कस में, क्या था, हम लोग जब छोटे हुआ करते थे, बच्चे थे, तो सर्कस देखने जाते थे, तो वहाँ पे सर्कस देखने का मुख्य उद्देश्य क्या होता था कि वहाँ पर हमको शेर देखने को मिलेगा, हाथी का प्रदर्शन देखने को मिलेगा, है ना। तो अब क्या हुआ, 1997 के बाद जब सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया कि जो वन्य प्राणी, वन्य पशु हैं, वन्य जीव हैं, उनके मनोरंजन के उद्देश्यों में उनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो दर्शकों के लिए प्रदर्शन और आकर्षण की विशिष्ट शैली का अस्तित्व समाप्त हो गया। मतलब जो दर्शक जो थे वो उनका जो मुख्य आकर्षण हुआ करता था वो उन वन्य प्राणियों द्वारा, मतलब शेर होते थे, जो जो क्या बोलते हैं, जो शेर हैं और टाइगर हैं, ठीक है, तो इन के प्रदर्शन को देखना ज़्यादा रोचक हुआ करता था। तो जब इस पर प्रतिबंध लग गया तो सर्कस की जो एक जो मुख्य आकर्षण था वो समाप्त हो गया। ठीक है, तो ये भी एक इसके पतन में नहीं तो, आप छोटे हो लेकिन अभी आप लोग सर्कस देखने का आपको अवसर कम मिल पाता है। ठीक है, तो देखिए
तो जो मुख्य आकर्षण था सर्कस का वो 1997 के बाद समाप्त हो गया और ये भी इसके पतन का बहुत बड़ा कारण था। इसके बाद भारतीय जनता के बीच सर्कस को सामान्यता खतरनाक पेशे के रूप में देखा जाता है। तो जो भारतीय जनता है वो क्या मानती है, सर्कस जो है बहुत खतरनाक पेशा, क्योंकि आपने देखा होगा सर्कस में जो कलाकार होते हैं बहुत ऊंची ऊंची रस्सियों पर चलते हैं, है ना, वो कई बार तो नीचे कुछ सुरक्षा के इंतजाम भी नहीं होते हैं, या उनके प्रॉपर जो सुरक्षा के इंतजाम है वो नहीं होते हैं, बिना सुरक्षा के इंतजामों के बहुत बड़े बड़े इनको कलाबाजियाँ दिखानी पड़ती हैं या दिखाते हैं। तो जो भारतीय जनता है तो या भारतीय जो जनमानस है उसके मन में क्या भावना या क्या धारणा व्याप्त है कि जो एक बहुत खतरनाक पेशा है ये, है ना, तो जब उनको पता है कि जो बहुत खतरनाक पेशा है तो जाहिर सी बात है कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं चाहेगा कि उसके जो बच्चे हैं या वो खुद भी इतने खतरनाक पेशे को एक एज अ करियर के रूप में इसको चुने, ठीक है। तो इससे भी कलाकारों की कमी हुई, तो अतः परिवार अपने बच्चों द्वारा इसे व्यवहार पेशेवर कैरियर के रूप में चुनना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए, बालात्कार श्रम पर प्रतिषेध, अभी तो आप बताइए, आप इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे होंगे अभी, बालात्कार श्रम प्रतिषेध और जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे कामों में लगाने पर जो प्रतिषेध लगाया गया है, तो आप लोग बताइए। चलिए ठीक है, तो विश्व स्तरीय जिमनास्टिक और ई मनोरंजन के अन्य रूपों तक पहुंच होने से, देखिए अब क्या हो गया, अब हमारे पास हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, या फिर टेलीविज़न है, तो हम जो विदेशों में जो मनोरंजन हो रहा है, मतलब इस प्रकार के जो प्रदर्शन हो रहा है ना, तो हम उसको आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन पर देख सकते हैं, टीवी पर देख, टेलीविज़न पर देख सकते हैं, ठीक है, तो अब सर्कस में क्यों जाएंगे, तो क्या, और जबकि हम सिर्फ इंडिया नहीं, विश्व स्तर के जो इस प्रकार के जो इवेंट हो रहे हैं उनको देख पा रहे हैं, तो अब जो छोटे लेवल पे कोई देखना जाना पसंद नहीं करता है, ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया, विश्व स्तरीय जिम्नास्टिक और ई मनोरंजन के अन्य रूपों तक पहुंच होने से युवा पीढ़ी ने पारंपरिक भारतीय सर्कस में रुचि खो दी, मतलब उसको अब इतना इंटरेस्ट नहीं रहा भारतीय सर्कस को देखने का, तो सर्कस कंपनियां भी उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल रही है, ठीक है। तो देखिए इसके बाद समाधान क्या हो सकते हैं जिससे भारतीय जो सर्कस है इसका संरक्षण किया सके, इसको इसका पतन होने से, पूर्ण रूप से समाप्त होने से रोका जा सके, तो इसके कुछ संभव समाधान है उनको देख लेते हैं। हाँ, उसका कारण यही है, सब जो अभी कारण बताए हैं, तो देखिए 2010 में थालासेरी में सर्कस अकादमी का उद्घाटन सही दिशा में एक कदम था, मतलब जो थालासेरी के या उनके सम्मान में केरल सरकार के द्वारा जो बनाई गई थी एकेडमी, ठीक है, लेकिन कदम था, लेकिन दुर्भाग्यवश या दुर्भाग्य से कम प्रशिक्षु तथा वित्तीय बाधाओं के कारण सर्कस अकादमी बंद होने की कगार पर है। कम प्रशिक्षु मतलब एकेडमी तो खुली है लेकिन कोई प्रशिक्षण लेने नहीं आ रहा है, कारण क्या है, पेशा ऐसा है, मतलब जो करियर है वो इतना अच्छा नहीं है, लोग उसको इतना अच्छा नहीं मान रहे हैं, बोल रहे हैं बहुत जोखिम भरा है ये, ठीक है, हम अपने बच्चों को क्यों भेजें, उसका ऐसा कोई भविष्य भी नहीं है, तो कौन जाएगा वहाँ पर प्रशिक्षण लेने, है ना, तो इसलिए प्रशिक्षु की कमी है और वित्तीय बाधाओं के कारण सर्कस अकादमी कैसी है, जो बंद होने की कगार पर है, ठीक है, जो थालासेरी में प्रारंभ की गई केरल सरकार के द्वारा, सॉरी, ठीक है। तो मगर सर्कस उद्योग के लिए ये कुछ संभव समाधान हो सकते हैं, कुछ समाधान यहाँ बताए गए हैं, जैसे कि पहला समाधान कि सुरक्षा नियमों पर अधिक बल देना, मतलब जो सुरक्षा नियम है, मतलब सुरक्षा का विशेष ध्यान दिया जाए सर्कसों के अंदर, तो इसे कठोरता पूर्वक लागू करने से करियर के अवसर के रूप में सर्कस की धारणा में सुधार लाने में सहायता मिलेगी। तो देखिए सर्कस में जो लोग प्रदर्शन करते हैं, जो कलाकार प्रदर्शन करते हैं, अगर उनके सुरक्षा के जो नियम हैं या सुरक्षा के नियमों पर अधिक बल दिया जाए और कठोरता पूर्वक उन सुरक्षा के नियमों को लागू करवाया जाए सर्कस में, तो फिर जो एक जनसाधारण है उनके मन में भी एक
अच्छे करियर की तरह इसकी जो धारणा है वो मन में विकसित होगी और लोग एक करियर के रूप में इसको चुनना प्रारंभ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी ये भय क्या है कि सुरक्षित नहीं है, जो इतने स्टंट करते हैं लोग उसमें क्या होता है, जान भी बहुत आसानी से किसी भी क्षण जा सकती है। लेकिन जब सुरक्षा प्रॉपर सुरक्षा होगी, प्रॉपर प्रोटेक्शन होगा और कठोरता से नियमों को पालन पालन करवाया जाएगा, तो जो भय है उसका समाप्त हो और लोग इसको अपने करियर के रूप में चुनना शुरू कर दें, ठीक है। जो दूसरा है वो है सर्कस का उपयोग आम लोगों के बीच पतनोन्मुख कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। इससे सर्कसों के आकर्षण में भी वृद्धि होगी। चलिए अगला जो बताया गया है इसमें कि किस तरीके से उसको जीवित रखा जा सकता है, तो वह है सर्कस कलाकारों एवं और कंपनियों को सरकारी संरक्षण से भी इस उद्योग को पुनर्जीवित करने में सहायता मिलेगी। अगर सरकारी संरक्षण को मिल जाए तो ये उद्योग शायद पुनर्जीवित हो सकता है। तो अधिकांश कलाकार जो होते हैं सर्कस के, देखिए सरकारी जो संरक्षण है वो कैसा मिले, देखिए जो अधिकार जो कलाकार होते हैं सर्कस के वो 40 वर्ष के बाद क्या होते हैं, रिटायर हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद वो स्टंट नहीं कर सकते हैं। तो इसके बाद फिर वो बेचारे जो कलाकार होते हैं उनको करना क्या पड़ता है, वो श्रमिक के रूप में काम करना पड़ता है उन कलाकारों को। तो इनके लिए सुरक्षा और क्षतिपूर्ति एक अनिवार्य आवश्यकता है, जो शायद सरकार अगर दे तो हो सकता है इस सर्कस का फिर से विकास हो सकता है। शिल्पा चौहान, हेलो सर। अरे देखो ये लड़ाई वड़ाई मत करो, कमेंट मत करो फालतू की उधर। रितु, आर्टिकल 34, बाल श्रम, ओके। जैस्मिन, क्या समस्या है? तो देखिए जो अगला सुधार किया सकता है वो ये है कि वर्तमान समय में सर्कस युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की परिधि में आता है। मतलब जो अभी जो सर्कस है वो जो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय है उसके अंतर्गत आता है सर्कस। लेकिन अगर इसको सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन इसे ला दिया जाए तो इसके पुनरुद्धार के लिए श्रेष्ठ रणनीति बनने में सहायता मिलेगी, ऐसा माना जाता है। और इससे सर्कस की कला के एक रूप में मान्यता भी मिल जाएगी। मतलब अगर इसको अभी ये युवा और खेल मंत्रालय के अधीन आता है सर्कस, ऐसा माना जा रहा है कि अगर इसको जो सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन इसको ला दिया जाएगा तो ये इसको एक कला का दर्जा मिल जाएगा, है ना, कला के रूप में इसको मान्यता मिल जाएगी। तो फिर इसके जब कला के रूप में मान्यता मिलेगी तो इसके पुनरुद्धार के लिए जो बेहतर रणनीतियाँ होंगी वो बनाई जा सकेंगी सरकार के द्वारा, ठीक है। तो पहले तो इसको मंत्रालय चेंज किया जाए, इसको दूसरे युवा खेल मंत्रालय से बाहर लाकर इसको सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन अगर ला दिया जाए तो शायद इसका जो विकास है वो संभव हो सकता है, क्योंकि तो फिर इसको कला के रूप में इसको मान्यता मिल जाएगी। बस इतना ही था सर्कस के विषय में नरेंद्र। तो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये है आप लोगों के लिए, महत्वपूर्ण सूचना के अब आप यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल और यूपीएससी जीएस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को कॉम्बो के रूप में ले सकते हैं, जिसमें आपको अधिकतम डिस्काउंट मिलता है। इसकी 1 साल की फीस 88,705 रुपये है, 2 साल की 31,510 और 3 साल की 1,67,220 रुपये है। अगर आप ऑप्शनल और जीएस प्लस का सब्सक्रिप्शन साथ में लेते हैं कॉम्बो के रुप में तो इसकी जो फीस है 1 साल की 70,103 रुपये, 2 साल की 99,680 रुपये और 3 साल की 1,21,000 रुपये है। RANA10 रेफरल कोड का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट।
आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की प्राइस जो है वो 25 जनवरी से बढ़ने वाली है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हैं, जल्द से जल्द ले लीजिए, 25 जनवरी से पहले ले लीजिए, क्योंकि इसकी फीस, आइकॉनिक जीएस की फीस जो है वो 25 जनवरी से बढ़ जाएगी। आइकॉनिक में आपको मिलते हैं पर्सनल कोच, आपके एग्जाम की संपूर्ण तैयारी में आपकी मदद करते हैं पर्सनल कोच, मेंस की टेस्ट सीरीज विद इवेल्यूशन के साथ आपको मेंस की टेस्ट सीरीज यहाँ पर मिल जाती है, मेंस के डेली क्वेश्चन और प्रैक्टिस मिल जाते हैं, आपको स्टडी प्लानर यहाँ पर मिलते हैं और पर्सनलाइज फीडबैक आपको आइकॉनिक में मिलता है, जिसकी फीस जो है वो 25 जनवरी से बढ़ने वाली है। इससे पहले आप इसको ले लीजिए, जिससे कि आपको मिल जाएगा अभी मिल जाएगी सस्ते, फिर नहीं तो फिर 25 जनवरी के आपको ज़्यादा फीस देनी पड़ेगी इसके लिए। राना 10 रेफरल कोड का आप इस्तेमाल कर लेना, जिससे आपको मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट। तो आज के लिए इतना ही था, आज हमने देखा भारतीय सर्कस, कल शुरू करते हैं कोई नया टॉपिक आर्ट एंड कल्चर का ही, और शाम को मिलते हैं ज्योग्राफी क्लास में 12:30 बजे। आ जाइए लर्निंग ऐप पर, यहाँ पर एनसीईआरटी चल रही है 7th क्लास की ज्योग्राफी की, ठीक है, 12:30 बजे आज ही, ठीक है, और 3 बजे लर्निंग ऐप पर मिलते हैं एमसीक्यूज के साथ। तो 12:30 बजे लर्निंग ऐप पर स्पेशल क्लास है, फ्री क्लास है सभी के लिए, आ जाइए आप। और 3 बजे एमसीक्यूज होंगे लर्निंग ऐप पर ही, ठीक है, और 6 बजे ज्योग्राफी क्लास। हाँ बिल्कुल ऋतु, आज है ऐप पर है, 12:30 बजे है ऐप पर एनसीईआरटी, और 3 बजे होगी ऐप पर एमसीक्यूज। नरेंद्र, राधे राधे, और किसी कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो तो बोल सकते हैं। चलिए फिर आ जाइए 12:30 बजे लर्निंग ऐप पर स्पेशल क्लास में, हमारी मिलते हैं। हाँ लाइव होगी ज्योग्राफी क्लास, शाम को 6 बजे होती है यूट्यूब पर, इसी चैनल पर, यहीं पर लाइव होगी। बाकी एमसीक्यूज करने हैं तो 3 बजे लर्निंग ऐप पर आ जाइए, हमें फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी। 12:30 बजे एनसीईआरटी होगी ज्योग्राफी की। अनअकैडमी लर्निंग ऐप, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी हमारे प्रोफाइल की, तो वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हैं।